जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे ये ऐसा ईडीएल केबल कैसे बनाती है, ये टाइप सी है और टाइप सी ईडीएल केबल कैसे बना, जैसे कोई भी सैमसंग मोबाइल का एफएफएल करना हो और एफआरपी करना हो, जैसे स्टेप डायगन का आपको प्रोसेसर आता है उसको बिना खोले, आपको मोबाइल को बिना खोले एफआरपी करना है, ऐसे कीजिएगा सॉफ्टवेयर कैसे करना है, तो ये ईडीएल केबल का ज़रूरत पड़ेगा। ये कैसे बनाएंगे, ये हम बना चुके हैं, तो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि ये कैसे बनता है। 2 मिनट का काम है, बस 2 मिनट वीडियो देखिए, फुल वीडियो देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको एक अच्छी क्वालिटी का टाइप सी केबल ले लेना है जिसमें आपको ईडीएल बनाना है, ईडीएल केबल बनाना है। तो हम एक टाइप सी केबल ले लिए और उसके बाद उसको अच्छे से छील लेना है, जिस तरह चार्जर आप मोबाइल में लगाते हैं वहाँ के तरफ आपको यहाँ पे छील लेना है। और उसके बाद यहाँ पे एक वायर मिलेगा ब्लैक और एक मिलेगा ग्रीन और एक वाइट और रेड रहता है, तो आपको जंपर करना है ब्लैक में और ग्रीन में, ग्रीन में छील लेना है और ब्लैक को, और उसमें आपको जंपर करना है दो। तो यहाँ पे चलिए हम फटा से ये जंपर कर लेते हैं। एक आपको ज़रूरत पड़ेगा बटन ले लीजिएगा लोग, उसमें बटन में 2 जंपर करना है। तो यहाँ पे हम पहले से ऑलरेडी बना लिए हैं, देख लीजिए यहाँ पे एक बटन में 2 जंपर कर लिए हैं, ये आपको ज़रूरत पड़ेगा। तो इसको हम इस केबल में ब्लैक में और एक ग्रीन में आपको जंपर कर देना है। और ये सैमसंग का बहुत ऐसे क्वालकॉम का जो सीपीयू आता है वो बिना खोले आप इसका एफआरपी लॉक कर सकते हैं या सॉफ्टवेयर कर सकते हैं ईडीएल में ले जाकर, तो ये आसान बन जाता है। किसी किसी मोबाइल में ऐसा होता है कि गारंटी में है और आप मोबाइल को खोलना नहीं है, तो इस स्थिति में बहुत काम आता है। तो यहाँ पे इसको बना कर रखिएगा, बहुत ज़रूरी पड़ेगा मोबाइल टेक्नीशियन लोग को ये ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए एक ब्लैक में और एक ग्रीन में हम जंपर कर दिए हैं और इसको अच्छे से यहाँ पे फिक्स कर लेना है कि ये बटन का दबाने की ज़रूरत है। तो ये डाटा केबल हमारा बन चुका है। अब चलिए हम लैपटॉप के उसको कैसे कनेक्ट करते हैं मोबाइल को वो दिखाते हैं। तो यहाँ पे लैपटॉप पे आ गए और यहाँ पे जो यूएसबी केबल है उसको हमको लैपटॉप में लगा देना है और ये मोबाइल लेकर एक बार आपको लैपटॉप में दिखाया था, यहाँ पे कोई भी डाटा कनेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी पोर्ट नहीं उठाया है। तो इसको कैसे कनेक्ट करेंगे देख लीजिए, इसको बटन को दबा के रखेंगे और वॉल्यूम प्लस माइनस दोनों दबा के रखेंगे और डाटा केबल लगाया देंगे और ठीक है, और वॉल्यूम प्लस माइनस दबा कर छोड़ना है, फिर दबाना है, फिर छोड़ना है, 2-3 बार ऐसे कीजिएगा लो वो कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा लैपटॉप में कनेक्ट हो चुका है। आई होप वीडियो अच्छा लगा हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।